राजो को ऐसे कहोगे ना काट डालूंगी, समझ लो। सुनो मेरी बात, अब चलो चलते हैं, इसलिए कि तुम्हारा बंदी अभी इस वक्त दरबार पहुंच रहा होगा। चलिए 18 बरस की तू हो देखो आई रे, कौन पूछे पक्का सार सटिया बाज हो, एक ही माह का लौंडा मारू लहा ले गया। खैर कोई बात नहीं, अब हम भी चल रहे हैं, कहना क्या मास्टर। और लैगा बा उठाओ कि भैया लैगा बा उठाए, खाली हनवा से पोतरी लैगा बा उठाए, खाली हनवा से पोतरी लैगा बा उठाए। दरबारियों सही महाराज है, लेकिन अभी तक मंत्री बिक्रम सिंह मेरा से वापस नहीं आया। महाराज अगर दोनों बच्चे और महामंत्री बिक्रम सिंह मेले से वापस नहीं आए हैं तो थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, अन्यथा मैं खुद जाऊंगा मेले। महाराज ठीक है, मंत्री बिक्रम सिंह क्या गजब हो गया है जो तुम्हारे जुबान से नहीं निकल रहा है। सेनापति सिंह कहिए मंत्री जी क्या बात है। याद होगा महाराज किसी समय में दरबार में 3 प्रश्न रखे थे। हाँ रखे थे, और वह प्रश्न दरबार के सब कर्मचारियों को और यहां तक विजयपुर राज में बूढ़े बच्चे जवान सबको मंजूर था। हाँ अगर कोई वह काम करता पकड़ा जाए तो उसे वही सजा होगी जो महाराज ने दरबार में पेश किया है। वो तो महाराज का हुक्म है ना, वो तो वही होगा। ठीक है मुन्नीलाल, ले आओ उस इंसान को जिसने घिनौना काम किया है। तो महाराज सेनापति सिंह मंत्री बिक्रम सिंह सदत पूरे कर्मचारियों के सामने उसे पेश करो लाके। जय साहब कहो अमर ने कौन सा गलत काम किया है
जो इसके हाथ में हथकड़ी डालकर लाए हो। राजन, जब राजकुमारी चाची और अमर को लेकर मेले पहुंचा तो डाकू गंगा सिंह हमला बोल दिया। फिर किसी तरह मैं दोनों बच्चों को बचाकर मेले को पार कर दिया। मेले को पार करते ही जब गंगा सिंह से मुकाबला खत्म हुआ तो राजकुमारी चांदनी को प्यास लग गई। तो फिर क्या हुआ? मैंने देखा कि बियाबान जंगल है, अगर अमर जाता है पानी लाने तो कोई शेर मृग चीता अगर हमला कर गया तो दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। ठीक तो नहीं सोचा था। अमर को वहीं रोक दिया और हम पानी को चले गए। जब पानी लेकर लौट रहे थे राजन तो बचाओ बचाओ की आवाज मेरे कानों में आई। मैं दौड़ता हुआ आया तो क्या देखता हूँ, अरे इस शरामजादे ने राजकुमारी चांदनी के साथ रेप कर रहा था। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं एक वफादार सेनापति बेटा है ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि आज तक 22 साल मंत्री की पद्धति बीत गई हमें। आज तक मैंने आपको जो कहा है मेरे बातों पे आपने शक किया है। ठीक है, न मानो, अपनी बेटी राजकुमारी को बुला के पूछ लो, वो तो झूठ नहीं बोलेगी। जाओ, इजाजत है, हमारी बेटी चांदनी को मेरे सामने लेकर आओ। बन्नीलाल, कुमारी चांदनी को पेश किया जाए। जैसा आपका हुक्म, मैं इस वक्त राजदरबार से जाकर राजकुमारी चांदनी को पेश करता हूँ। बेटी चांदनी, क्या बात है बेटी? बेटी क्या बात है? क्या बताऊं, मुझे बताने में शर्म आ रही। बेटी बताओ बात क्या है? मैं बताती हूँ। हे पिता, क्या कहूँ कुछ ना जाता करके मेरा दिल ना दुखा। बेटी चांदनी, कहो ये सब झूठ है बेटी? नहीं पिताजी, मैं झूठ नहीं बोली हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके सामने अपनी कसम खा के कहती हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाह, अगर मंत्री जी नहीं आ जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाती। ठीक है बेटी, अगर अवन तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम किया है तो हम सजा जरूर देंगे। महामंत्री विक्रम सिंह, दरबारियों से कहो हमारी बेटी को महल तक पहुंचा दिया जाए। मुन्नीलाल, राजकुमारी चांदनी को महल तक छोड़ कर आओ।
वजह से। कहिए महाराज। तुम जानते थे कि हम तुम्हारे पर कितना बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ महाराज। और लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अमर, अगर तुझे ताज और तख्त की जरूरत थी तो मुझसे बता देता, लेकिन तूने ऐसा गलत काम किया। रजन, ये तो वही हुआ। मुलाजी लोबड़ी का बेताल बेताल बाप इस वहदे पर बेटा साला छिनरा पैदा हुआ। महाराज, ये जो कुछ मेरे साथ रहे ना, ये एक हमारे ऊपर साजिश रचाई जा रही है। महाराज, तू झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया है। चल तेरी चरित का बिछाया गया। पहले के साथ मैंने किया घात है महाराज जी, पहला के साथ मेला किया घात है। झूठा इल्जाम मुझ पे लग करते हुए खौफ खाया नहीं तू, अरे बेशरम खौफ खाया नहीं तू। गद्दार, अरे तेरी देखी सूरत चले गए। गद्दार का चेहरा नहीं देखना चाहते। उठो तकदीर और अपने बेटे का गर्दन। जैसे इस हरामजादे गद्दार का हम मुंह नहीं देखना चाहते और इसका गर्दन अलग कर दो। महाराज, इस काम को अपने दरबार के किसी दूसरे कर्मचारी से करवा लीजिए। अपना गम कम होता है, दूसरे की गम कहानी। अपना खून खून होता है, दूसरे का खून पानी। जब अपनी बारी आई तो आंसू ढरका रहे हो। ये काम महाराज का आदेश है, तुमको करना होगा, जरूर करना होगा। महाराज,
क्या राजन मैं अपने बेटे से अकेले में दो बातें कर सकता हूँ? ठीक है सेनापति सिंह, हम तुम्हें 5 मिनट के लिए टाइम देते हैं। महामंत्री बिक्रम सिंह, सेनापति सिंह को 5 मिनट के लिए मौका दिया जाए। बाप बेटे को महाराज ने 5 मिनट का मौका दे दिया। 5 मिनट के बाद मैंने तुझे रोका था ना कि मेरे बच्चा बेटे मेरे बच्चा, लेकिन तूने मेरी एक दफा नहीं अपनी जिद करके तू मेरे चला गया ना। पिताजी ये सच है कि मैंने जिद किया बेटे। अमर मैंने तुझे मारा बेटे, मैंने तुझे मारा बेटे, मैंने तुझे मारा अमर 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 एक बात बता बेटे, अमर सुन मेरी बात को। मार दू तुझको अभी या कि जिंदा छोड़ दू, तू ही बता बेटे अब क्या वर्दी और हुआ क्या है मेरे बेटा हजारी। कुमार संजय नगर निवासी, इन भैया की ओर से घर मालिक को 501 रुपए का व्यवहार और साथ में इसी सीन को देखते हुए 51 रुपए पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद पिताजी, मैं जरूर बताऊंगा पिताजी। तुम्हारे तो बापू मुझे पिताजी मार दो बापू मुझे, मुझको न जिंदा छोड़िए, मार कर बापू मुझे वर्दी से लाता जो कसम खा के कहता भारी कसम खा के
लगती है वो तो ना बहना हमारी माता को तेरी भेंट जाकर क्या बतलाऊंगा तेरी बुआ रानी को जा कर धीर क्या बनाऊंगा और हुआ क्या बेटे बता दो मुझे मेले की बात सारी पिताजी आप जानते हैं पिताजी कि आपका कुल इतना गंदा नहीं हो सकता गंदा नहीं हो सकता पिताजी जब हम लोग मेले जा रहे थे ना तो मेला पहुंचे तू आई गंगा सिंह डक और मंत्री जी ने कुछ देर से जंग किया और हमें और दीदी जी को बचा के किसी तरह मेले के बाहर ले आए और वहां दीदी जी को प्यास लगी मैं जाना चाह मैंने चाचा जी से कहा कि आप दीदी का ख्याल रखो और मैं पानी लेकर आता हूं लेकिन चाचा जी ने कहा कि नहीं अमर या बिया भाई जंगल है या तू बच्चा पानी ला ले मैं जा रहा हूं तू अपनी बैठ के गया बस घर बैठे बस बस बच गया पर मैं सब कुछ पहले कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं सेनापत तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं उठाओ संतेर और अपने बेटे का गर्दन अलग मुझे माँ की याद आ रही है मेरी माँ कहती थी बेटा अपना जिद मत किया कर लेकिन क्या करे माँ मेरे पास आ जाओ माँ टाइम खत्म हो चुका है महाराज एक काम कर दो राजन वो कौन सा काम है कहो मैंने अपने बेटे अमर को हमेशा फूलों के सेज से सुलाया है राजन और हमेशा अपनी गोदी खिलाया है राजन मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा बिस्तरा लगवा दो राजन जिससे कि मेरा बेटा मर सके माँ कहाँ हो माँ मुझे अपने पास बुला लो ना जा बेटी याद सताती है पास बुलाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है पास बुलाती है कितना रुलाती है
जा बेटे जय संसार को छोड़कर जा पापा, और नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरिया। नफरत की जब जानवर कोई इंसान को मारे मुझसे प्यारे, कहते हैं दुनिया में कैसी मुझसे प्यारे। जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है ये सरदार। नफरत की अमर 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 सेनापत के आपकी पट्टी बांधी जाए। हम जानते हैं जब तक इनकी आंखें खुली रहेंगी तब तक अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकते। अमर अमर बेटे तेरा बच्चा से जब हमारे मुंह से तेज निकले तो तुम्हारे बेटे का गर्दन अलग होना चाहिए। नंबर एक, नंबर दो, दरबारियों से कहो इस लाश को ले जाए किसी गंदे नाले में डाल। मुनिलाल अब क्या चाहते हो? महाराज मेरे बेटे की लाश मेरे बेटे की लाश मुझे दे दिया जा राजन। मैं अपने